फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये एक्सरसाइज 8.2 का। इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके से इवैल्यूएट करना है cos 45 डिग्री। द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री इज 1/√2। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3। तो सबसे पहले तो हम सब वैल्यूज रख देते हैं अपनी अपनी जगह पर। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग। ये है 1/√2 एज इट इज रहने वाला है। नाउ सी, जब यहाँ पर इस तरीके की कंडीशन हो, रूट में कुछ दिया हो, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम कर लें कि डिनोमिनेटर में 1 है। सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये आया हमारे पास √3 और 1 का एलसीएम √3। √3 और √3 डिवाइड किया 1 and 1 into 2 आ जाएगा 2 प्लस 1/√3 आंसर होगा 2√3। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3। तो फाइनली एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया। नाउ नेक्स्ट स्टेप 1/√2 हमने यहाँ पे कॉमन लिया 1+√3/√3 राइट। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है इस तरीके से हम इसको जस्ट इन्वर्ट कर देते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए जब इसको इन्वर्ट किया तो ये हो गया 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 into 1+√3। इस तरीके से जो है वो ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप दिस इज √3 √3 into 1 हो जाएगा √3 और ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये होगा 2√2 (1+√3). अगर मैं 1+√3 को चाहूँ तो √3+1 भी लिख सकती हूँ क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव साइन है राइट। √3+1। अब हमेशा हमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ध्यान रखनी है कि जब भी डिनोमिनेटर रूट में होता है हमें उसको रैशनलाइज करना होता है। दिस इज मस्ट, ये करना है मतलब करना है। तो आपको जब भी दिखे कि डिनोमिनेटर जो है वो रूट में है तो आप क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज करेंगे। तो इधर पर √3+1 जो है उसको हम पहले रैशनलाइज करते हैं, देन अगर √2 आपका नॉर्मली पूरा कंप्लीट रूट के फॉर्म में फिर भी रहा, पूरा तरीके से रूट नहीं गया डिनोमिनेटर से, ध्यान रखिए डिनोमिनेटर से, तो फिर से रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए इस तरीके से आप क्या करते हैं, जो साइन होता है एक्चुअली उसका उल्टा साइन लेते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट a² - b²। तो हम कैसे करते हैं a² - b² ये देखते हैं। अब ये जो है इसको सबसे पहले मैं रैशनलाइज करने के लिए √3 - 1 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। नाउ आई एम डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे इसका और यहाँ पे इसका ऐसा मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ तो √3 का मल्टीप्लाई हुआ √3 - 1 में और ये 2√2। देखिए √3 + 1 और √3 - 1 मतलब क्या हुआ, a² - b² क्यों, क्योंकि ये a+b है और ये a - b है। ऐसा क्यों, क्योंकि a को मैंने माना है √3 और b को मान लिया 1। तो कौन सी आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पर, a² - b² पर। तो ये हो गया हमारा 2√2 एज इट इज रहेगा। इनमें हम लगा देंगे आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a² - b² तो ये हो जाएगा √3² और ये हो जाएगा 1² राइट। नाउ नेक्स्ट अब इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा √3। और नीचे देखिए 2√2 ये एज इट इज लिखा है, इसको एज इट इज लिख देती हूँ मैं। √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1। 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। सॉल्व होने के बाद ये हो गया हमारा 2 राइट। नाउ इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 3 - √3/2 × 2 कितना हो गया, 4√2। ये आ गया हमारा 4√2। बट हमने देखा कि अभी भी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू है, अब हम आगे इसको कैसे और रैशनलाइज करते हैं। जब तक डिनोमिनेटर में रूट है वी विल रैशनलाइज इट। नीचे अब क्या बचा, 4√2। नाउ क्योंकि सिंगल वैल्यू है, बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, तो हमें प्लस माइनस में कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय √2 and √2, ओनली रूट की वैल्यू से, ताकि रूट से रूट मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर क्या हो जाए सिंपल नॉर्मल हो गया। तो √2 से √2 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो गया, ये तो हमारा रहा 3 - √3, इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 का, और ये जो है 4 √2 में √2 मल्टीप्लाई हुआ, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, 4 into 2 हो जाएगा हमारा 8। नाउ मल्टीप्लाई दिस √2 इन
तो ये आ गया हमारा 3 रूट 2 और रूट 3 इंटू रूट 2 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट 6 और नीचे आ गया 8। दिस इज आवर फाइनल इवेल्युएशन, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,